हाँ या ना जाना है या नहीं जाना है वो बताइए, जाना है। हमारा आप मेहनत अपने सार्थक हो गया, खुशी से हमारी ये बेटी सुधर गई, आज से कभी नहीं भटकना। तुम्हारा हम अपना ऑफिस नहीं आना हो जल्दी, जब पति बोलेगा नहीं, लेकिन नहीं फंक्शन कोई परेशानी होगा ऑफिस आप देख लीजिएगा नारायणी शक्ति फाउंडेशन का, वहाँ पे आके आप कंप्लेन कीजिएगा ठीक ना। अपने पति के साथ आना, मैका ऐसा नहीं है कि मैका नहीं आना चाहिए, लेकिन पति की अनुमति। देखिए समय बहुत ज्यादा हो रहा है ठीक ना, हम लोग को आप क्लियर बताइए ठीक ना। चलोगी कि रहोगी, जाइएगा आपका घर बसेगा, आपका जिंदगी अच्छा होगा, नहीं जाइएगा आपका घर उजड़ेगा, आपको उनको तलाक देना होगा। फाइनल डिसीजन बताइए अपना। और एग्जाम्पल सब कोई हमेशा देता है ठीक ना, जो अपने पति का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होता है ठीक ना। अगर आप किसी लड़के के साथ जाते हैं तो वो भी यही बोलेगा कि तुम अपने पति का नहीं हुए तो मेरा क्या हो गया, ये चीज समझिए। है कल तुमको 10 लड़का करेगा, जिसका पति छोड़ देता है ना उस पर और लोगों की बुरी निगाह होती है, इज्जत भी नहीं रह जाता है, सबके नजर न हो जाए। इसलिए चलो इसको जीवन की अगर पति मजबूत रहा है तो ओकरा पर कोई नजर नहीं, क्या करना है आप क्लियर बताइए। सर मेरा मुंह भी सुनाता हूँ, क्योंकि आज ही जाने के बाद कल कोर्ट में जाकर तुम्हारे लिए तलाक ही करेगा, फिर ना तुम उधर के रहोगी ना इधर के रहोगी, तुम्हारी बच्ची अनाथ हो जाएगी। हाँ तो हाँ यही होने वाला है, यही होने वाला है। भगवान समाज के उनका जो बढ़िया से रहा, बाल बच्चा नए सिरे से जिंदगी चालू करो, बिलछी जाने की हमारा वो भगवान है, तब तो नाम चलता हो अभी इसको कुछ दिन तेरा गोपन नजर का। देखिए इसको कुछ दिन नारायणी शक्ति फाउंडेशन से हम आए हैं, कुछ दिन हम इसको नारायणी शक्ति फाउंडेशन में अपने आस पास भी रखेंगे और इसके ज्ञान। कोई परेशानी होगा ठीक ना, कोई परेशानी होगा आप लोग ऑफिस आप ऑफिस आइएगा ठीक ना, हम लोग आपके तरफ से भी आएंगे। क्या लिए कुछ है ना, तुम अपने जीवन का गलती को यहीं पर समाप्त करो और नए सिरे से जिंदगी। बोलेगी तब ना कुछ लिखेंगे क्या, और वो भी इंस्टाग्राम। एक मिनट नहीं, उनको पहले क्लियर बोलने दीजिए ठीक ना, इंस्टाग्राम इनका इच्छा नहीं है तो ये रहेगी है। वो तुम्हारे साथ टाइम पास किया, दोनों पक्ष खाली लिख के रखे ना, अपने पति के आज 30 होगा। एक जीवन की गलती को पूरे अपने जीवन का गुनाह मत बना लो ठीक है ना। वो लड़का 4 बजे नहीं दिमाग घुसा हुआ, पापा के साथ जाओगे बाबू हमारे देश हाँ? की नहीं यही है इज्जत और इसका सुरक्षा करना। बाबू पापा के साथ जाओगे हाँ, बोलो ना पापा के साथ जाओगे। पापा तो कन्या जाएगी अच्छे स्कूल में, बोली कहाँ है पापा, पापा कन्या जाओगे उनके साथ हाँ, तब देखो तेरी बेटी है पागल लड़की है, पापा कितना सुंदर बेटी तुम पैदा की हो, इसके बारे में नहीं छोड़ ले रहा है, एकरा में एकरा छोड़ ले रहा है, केलो मत सब दिन भैया कितना देखता है। नहीं इनको तो चाहिए कि घर से निकलो दोनों, माय बेटी निकलो अपना, जब पति के साथ मिल रही तो मैं के साथ बोझ बनल हूँ, वहाँ पे तो नहीं होनी तो हमार होंगी, बोझ बनल है ना, समझा रही कितना दिन पालेगी, पाल पोस के बड़ा कर दी तो माई के होता है, अरे कब तक वो जिम्मेदारी लेगी, पाल पोस के एक मिनट खड़ा क्यों है, थोड़ा हमारे पास आप गप करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, इसका सामान को जल्दी। अच्छा अच्छा इनसे इनसे थोड़ा बात करने, क्या है क्लियर आप बताइए आपको क्या करना है। देखिए समय बहुत ज्यादा हो रहा है ठीक ना, आप क्लियर बताइए ठीक ना। चलोगी कि रहोगी, जाइएगा आपका घर बसेगा, आपका जिंदगी अच्छा होगा, नहीं जाइएगा आपका घर उजड़ेगा, आपको उनको तलाक देना होगा। फाइनल डिसीजन बताइए अपना। और एग्जाम्पल सब कोई हमेशा देता है ठीक ना, जो अपने पति का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होता है ठीक ना। अगर आप किसी लड़के के साथ जाते हैं तो वो भी यही बोलेगा कि तुम अपने पति का नहीं हुए तो मेरा क्या हो गया, ये चीज समझिए। है कल तुमको 10 लड़का करेगा हाँ। जिसका पति छोड़ देता है ना उस पर और लोगों की बुरी निगाह होती है, इज्जत भी नहीं रह जाता है, सबके नजर न हो जाए, इसलिए चलो इसको जीवन की अगर पति मजबूत रहा है तो ओकरा पर कोई नजर नहीं, क्या करना है आप क्लियर बताइए। सर मेरा मुंह भी सूखने लगा, बोलते अब कोई मत बोलिए, आप एकदम आराम से सोच समझ के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके भले के लिए यहाँ सब कोई है, क्या करना है। जवाब दे बोलिए ना, चाहे हाँ कहीं चाहे नहीं कहीं, एक बात बोली क्या करना है।
अभी भी आप अपने आशिक से बात किए हैं, उनसे भी समझ लिए होंगे वो क्या बोल रहे हैं। क्या करना है क्लियर बताइए फटाक से। अरे करो भाई, मेरा सर दर्द करने लगा। हम तुम अरे बताओ ना, नहीं समझ में आ रहा है। जब मिलते हैं ना तो मेरा चक्कर खुद आता है कि क्या हमारा देश और हमारा दुनिया जा रहा है। क्या करना है क्लियर बताइए। घर घर में बहू बेटी नहीं है, बहुत ही शर्म आता है। एक एक बच्चे की माँ भटक रही है, कुमार लड़की भटकती है तो लगता है चलो उसका घूम रहे। सब यहाँ पागल है, आप महान हो गए हैं। समझ में नहीं आ रहा, सब समझा रहा तो बोलो न, जाना है नहीं जाना है सीधा क्लियर बताओ, कोई मतलब नहीं है। कि घर बिहार निकाल देता हूँ। निकाल यही कर दे तो सुधर जाएगी। नहीं निकाल देता है, निकाल देना चाहिए। हमारे घर तो निकाल देते हैं। कुछ तो आप बोलिए, हाँ या ना, क्या है, एकदम डिसीजन लीजिए सही। चलना है, समय बर्बाद मत कीजिए किसी से। जिंदगी का सुनहरा दिन है, आज तुम बच सकती हो, अपनी गृहस्थी को बसा सकती हो। आज के बाद सिर्फ तुम्हारा जिंदगी बर्बाद होने वाला है। काम करने चाहे आराम से, खाली सुतरा लो। मैं इसको रुके ना, इसको हम काम करवाते हैं। इसको सुन रहे हो ना, कुछ दिन हमारे ऑफिस में आएगी जाएगी, ठीक है ना। इसको हम अपने साथ इसको दौड़ाते हैं, इसके आलस को मिटाते हैं। बेचारा लगा कि बूढ़ा हो गए, सब बूढ़ा हो गया। तेरे चिंता में बड़ा तुमको प्यार करता है। कहती हो तुम्हारा जो लड़का वाला फोटो था ना, हम इसे मांग रहे थे। हम लोगों के पास समय नहीं था यहाँ आने का, ठीक ना। ये कितना दिन से बोल रहे थे आने के लिए। कि कहीं मेरी पत्नी बदनाम न हो जाए। नहीं दिया है, अभी अपने मोबाइल से ही दिखाया है। हम तो क्या, तुम देवता पा के तुम देवता को खो रही है पगली। दुनिया में सिख सिख के तालीम होले है, कितना परेशानी होल हकीन। जल्दी बोलो, हमारे देश की तुम बेटी, क्या करना है बताइए। शर्म आता है जब तुम जैसे समझा लिया इसको, क्या करना है। ठीक है, सब शांत रहिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इनको बोलने दीजिए, छोड़ दीजिए, सब शांत रहिए, छोड़ दीजिए। समझ गई, बहुत समझदार। क्या करना है बताइए, क्या करना है। अरे अपना जिंदगी सोचो, छोड़ दो दूसरे का। अपना जिंदगी सोचो कि कौन रखेगा और कौन इज्जत देगा, मान सम्मान देगा। सोच जीवन आगे कहाँ भलाई है। अपना भलाई सोच के बोलो, क्या करना है। अभी भौजाई आएगी, रोज दिन ताना सुनोगी, जिल्लत के जिंदगी के रोटी खाओगी। माँ कितना दिन तक जिंदा रहेगी रे मूर्ख। अपना गृहस्थी, तुमको इतना सुंदर पति मिला है, चलो पति के साथ आवा है ना दीदी। आइंदा इसको कभी भी कोई स्मार्टफोन नहीं देगा। अब दोगे भी तो कीपैड मोबाइल दोगे। और हम सभी से कहते हैं, जिसकी पत्नी घरेलू हो उसको स्मार्टफोन मत दो। तुम लोग खुद ही प्रेम में अपनी औरतों को बिगाड़ रहे हो। अनपढ़ एक मतलब कहता है कि कोई मैट्रिक दसवां मैट्रिक एग्जाम में पास की थी आपकी बेटी, हाँ तो सब चोरी चमारी से पास हुई होगी। क्योंकि एक शिक्षित लड़की ऐसे कैसे अवज्ञा इस तरह के कर्म कर सकती है। हमको लगता है कि ज्यादा पढ़ी नहीं कैसे पास। हाँ लग रहा है, क्योंकि एकदम बिल्कुल हमको ये ना समझ लग रही है। हमको लग रहा है कि इसके पास कोई सेंस, सही गलत सोचने की ज्यादा इसके पास सेंस नहीं है। इसको हम लोग बेवकूफ लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पूछ रहे, बता नहीं रही है। आपको पता है हम लोगों के पास समय नहीं रहता है। समझ में नहीं आ रहा है बोल रहे तो, क्या करना है डिसीजन लीजिए सही। हाँ या ना, जाना है या नहीं जाना है बताइए। जाना है, हमारा मेहनत आप अपने हो गया। खुशी से ये सुधर गई, आज से कभी नहीं भटकना। तुम्हारा हम अपना ऑफिस जब पति बोलेगा, लेकिन कोई परेशानी होगा ऑफिस आप देख लीजिएगा, नारायणी शक्ति फाउंडेशन का, वहाँ पे आके आप कंप्लेन कीजिएगा, ठीक ना। अपने पति के साथ आना, मायका ऐसा नहीं है कि मायका नहीं आना चाहिए, लेकिन पति की अनुमति से आना चाहिए। लड़की ऐसा नहीं, मायके वाला बुलाए फंक्शन आप पति के प्रणाम करा। तो कितनी आजकल वो आंटी खत्म हो गया है, पति के प्रणाम करा। सुनिए आंटी, आंटी आजकल वो चीज खत्म हो गया है, वो नहीं कर रहा है लड़की लोग। लेकिन बोलने दीजिए और हाँ। तो कम से कम वही तो हम बोल रहे हैं ना, संविधान और कैसे हम लोग देश में कैसे समाज में रहते थे। आज हमारा समाज किस तरह से अंधकार की ओर जा रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति पर बहुत बड़ा सवाल है। राम के कखनो नहीं, जबकि वनवास काटी थी। राम के मान रखने के लिए बन चली गई, लेकिन राम की गरिमा पर आंच नहीं आने दी। वो जानकी की ये भूमि है
और आज यहाँ की महिलाएं अगर इस तरह से इंस्टाग्राम फेसबुक या प्यार से भटक रही हैं, तो इन औरतों का अब कहीं ना कहीं माँ का भी संस्कार सवाल उठता है कि आप अपनी बेटियों को क्यों नहीं सोनम संस्कार दी। एक बार यहाँ क्लियर बताओ, कागज बनेगा, जाना है ना? हाँ, कागज बना दे, बोलो मुँह से, बोल दे एकदम खुशी से, ये नहीं कि जबरदस्ती टांग के ले जा रहे हैं। दोबारा कोई चक्कर नहीं होगा, सब लिखित होगा, सब लिख लेंगे। कानी ना छोड़ थून बेचारा ना, कभी नहीं छोड़ेगा। और तुम ये सुनो, ये कहाँ गया पति? पति कहाँ हो? ए हेलो, आप इधर आओ, इधर आओ, आप इसको रखने के लिए तैयार हो? चलो दोनों का बयान लीजिए, हमारी जबरदस्ती नहीं है भाई। आइए इधर, इधर राम प्रवेश, इधर इधर राम प्रवेश, आप अपनी पत्नी से बात करो कि तुम चलना चाहती हो कि नहीं, पूछ करो। जाएगी तब ना जाएगी, आप रखोगे ना इज्जत से? अगर ये गलती नहीं करेगी तो कभी मारपीट नहीं ना करोगे? इज्जत दोगे ना पहले जैसा? इनसे इनसे डिस्कस कीजिए, इनसे बात कीजिए थोड़ा, आपको क्या दिक्कत है, कोई परेशानी भी है? बात करो, क्या बताए तुम जैसा? ये जाने के लिए तैयार है नहीं, पूछो पूछो। वहाँ पर कुछ हम काम करने चला जाते हैं, हाँ। खाना बना के रखे, हाँ। हम आते हैं ड्यूटी करके, हमको चाहिए, हाँ। क्यों मारेंगे हमको? हाँ। यही कहे और कोई दिक्कत? किसी पराए पुरुष से बात न करे, नहीं। हाँ। बोलो इनको कि चलो मेरे साथ, आज से तुम अपने मोबाइल से इनको बोलो ना चलो मेरे साथ, अपने बगल में इसको मोबाइल चलाने के लिए दोगे तुम रात में, ठीक है ना? ठीक है, इसको मोबाइल नहीं दोगे, इनको बोलो जाने के लिए अपने साथ, बोलो कीपैड मोबाइल दोगे, बोलो ना उनको डायरेक्ट, उनको बोलो चलो मेरे साथ हम लेने आए हैं, बोलो चलने के लिए। सोनम, अरे उनको पूछने दीजिए, बात करो सोनम डायरेक्ट। चलो तुमको माफ किया, ऐसे बोलो उसको, इसके हृदय को जीतो, क्योंकि ये भी तो, अरे मुंडी तो ऊपर करो, नहीं वो गलती करके शर्मिंदा है। तो ठीक है, हो गया, आप शर्मिंदा हो, काफी है माफ करने के लिए। राम भी नहीं तुमको रखते, हम तो बोलते हैं ना कि इसको राम भी नहीं रखते, अगर राम जानकी भी राम भी नहीं, तो राम से भी महाराम है। मैं ऐसे लड़कों का धन्यवाद करती हूँ कि आज हमारे देश में इतना महान बच्चा है। सुना लिया, कहाँ चल गई? चलो उनको बोलो कि तैयार होगा, बोलो चलो तैयार हो जाओ, चलो वहीं पर रहो, खाओ पियो, ऐठ कर बैठ, तोरा कमी कुछ देखुन तब न बेचारा मोबाइल नहीं मिलेगा चलाने के लिए, छोटा कीपैड मिलेगा, तो नहीं वो फोन नहीं मिलेगा आपको, जब आएगा ना एलसीडी लगा देगा घर में, घर में एलसीडी लगा देगा, ठीक ना? टीवी है घर में, टीवी इसको खरीद देना, एगो एलसीडी लगा देना, ठीक ना? हाँ डिश लगा देना, डिश लगा देना, टीवी लगा देना, और छोटा कीपैड मोबाइल दे देना, और जब तुम आओगे तो इसको फोन अपना कभी कभी चलाने के लिए दे देना। चलो तैयार हो कि नहीं? छोटा छोटा फोन नहीं, तुम भटकने वाली महिला हो, तुम किसी फिर खूबसूरत लड़का को देखोगी फिर भटक जाओगी, तो भैया ये तो बहुत गलत चीज है ना। जिस महिला के मन पर कंट्रोल नहीं है वो महिला को तो मोबाइल, अच्छा क्लास करता है, पढ़ाई करती है, जल्दी करिए तो सुनिए अब, हाँ या ना फाइनल पूछिए, मोबाइल इसको स्मार्टफोन नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कीपर मिलेगा, बात। अरे जब प्यार बढ़ता है ना तो पति खुद ला के दे देंगे, ठीक ना? विश्वास हो जाएगा तो खुद वो दे देंगे, इतना बड़ा बड़ा गलती किए हो, फिर तुम यहाँ से जाओगे पहले बॉयफ्रेंड को कॉल करोगे, इसको मोबाइल, तो जब इनको भरोसा होगा फिर दे देंगे, है उस दिन तो समय दीजिए, आप गलती किए है ना, ये कुछ नहीं गलती किया है, इसके अंदर में फीलिंग की बहुत कमी है, कोई लड़की ना ये अपने बच्चे से प्यार करती है ना ये पति से प्यार करती है, इसको कहीं ना कहीं मोबाइल टाइम पास मनोरंजन, समझ गए ना, एक ही टाइप की मतलब एक होती है ना, क्या उसको बोलते हैं, बिल्कुल मनबरहू लड़की है, इसको माँ बाप का सम्मान का ख्याल, माथा दर्द मेरा भी करने लगा, मनबरहू लड़की नहीं जाएगी, अरे बेवकूफ लड़की, वो सिंगल लड़की का फोटो है, समझ में नहीं आ रहा तुमको, साथ में फोटो है उनका,
फालतू का तमाशा बस कर रही है, टाइम पास कर रही है। तुम जो दिखा रही हो ना उसका कोई वैल्यू नहीं है, कहीं नहीं है। और उसके पास जो 100 फोटो भेज देंगे अभी, छोड़ने के लिए काफी है। लेकिन फिर तुम्हारा साथ में मिला है, तुम्हारे आसिक के साथ झुक के आ रहा है। तुम नवाब बन रही हो, तुम ही चढ़ रही हो ऊपर। हाँ, मन बढ़ल है इसका, ढेर बढ़ल है। वो झुक के आ रहा है बच्चा देखने के बावजूद। आई बच्चा क्या कह रही है कि नहीं हम लोगों के बात पे सिर्फ झुक रहा है। हमको तुमसे प्यार नहीं है, हमको बोलो नहीं रहोगे हम लिखेंगे। हम चाह रहे हैं ना कि बच्ची का जिंदगी बर्बाद ना हो। और हमें तब फोर्स तुमको कर रहे हैं ना, तो मात बच्चे का इसको 3 साल की बेटी है। मैं इसके लिए इसको इतना फोर्स कर रही हूँ ताकि इसका माता पिता का साया इससे न छिले। 4 तमाचा ये लोग को लगना चाहिए। पागल लड़की सब बर्बाद करके रखी है सब। माहौल क्या कर रही है, हाँ या ना पूछिए ना, हम लिख देंगे जो कर रहे हैं। गलती पे गलती किए जा रहे हैं और हम लोग इतना प्यार से समझा रहे हैं कि समझ जाओ, समझ में नहीं आ रहा। जब तक भरोसा नहीं होगा ये नहीं देगा। इसको अब तुमको जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। बोलो फाइनल डिसीजन, लोग अपना करेगा शादी। पागल रहेगा अभी नहीं क्या? नहीं, सामने घर आएगा, मोबाइल देगा, सामने बैठ के बतियाओ, चलाओ, इंस्टा देखना है, फेसबुक देखना है, इसके मोबाइल से देखो। हम बोले थे कि रात में इसको अपने मोबाइल पर अकेले में मोबाइल क्या करोगी? अपने छोटा तुम अपने आप को खुद गलत साबित की हो। आज भरोसा तुम खुद तोड़ी हो तो नहीं दे रहा है। तुम नहीं गलत करती, क्यों नहीं मोबाइल देता? छीन लिया था मोबाइल, तुम गलत की हो तब ना छीन रहा है मोबाइल। अगर तुम सही रहती तो मोबाइल नहीं देता। और तुम पर बहस कर रही हूँ, तुमको हाँ या ना फाइनल फैसला दो। उसको कोई दिक्कत नहीं, शादी हो जाएगा, नहीं भी रहोगी तो तुमको भी जिसको देखना है देख लो, डिसीजन दो। क्यों फंसा के रखी हुई हमको भी, उसको भी, बेचारे को। हमारे दम दाग देखनी है, इतना सुंदर रखी तब कैसे हमारे बेटिया पढ़ा लिखा ना? इसको इसको चाहिए हम बानी। अब खुद क्या है वो नहीं पता। जब भाग में हले जो